नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गनी, वनकम। आप सभी को ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और हमारे साथ जुड़ी हुई है नाजिया इलाही खान फिर से एक बार। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है ओवैसी को, नाजिया की बहुत फिक्र होने लगी है अचानक से। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, वो जो मुस्लिमों के, मुसलमानों के अधिकारों के बारे में मतलब अपने घर से लेकर पार्लियामेंट तक, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, वो अलग बात है कि वो जहां जहां पे इलेक्शन लड़ते हैं वो उनका जब्त हो जाता है, पैसा जब्त हो जाता है, बट वो लड़ते जरूर है, मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। कुछ अच्छा सा स्टेटमेंट आया है एंड उसी के ऊपर हमारे साथ नाजिया जुड़ी है। नाजिया, ओवर टू यू। बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगी। आखिर ओवैसी जी आपके लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, मुसलमान खातूनों के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हैं जी, मुद्दा क्या है? जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह अलैहि वबरकातहू। हाँ, बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़ा रुदाली की तरह सीना कूट रहे हैं। नए संसद के बाहर में बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं, चूड़ियां तोड़ रहे हैं, बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं और मेंढक की तरह फुदक रहे हैं। अब बात ऐसी है कि अवेसी साहब एक काम क्यों नहीं करते, अपनी चेयर मुझे क्यों नहीं दे देते, अपनी चेयर छोड़ दें, कहें कि नाजिया इलाही खान या कोई भी एक्स वाई जी कोई भी मुस्लिम महिला को मैं अपनी चेयर देता हूँ। दूसरा दूसरा सवाल पैदा होता है कि अवेसी जी की पार्टी में कितनी मुसलमान महिलाएं जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या उसको टिकट मिली है, या उसको उन्होंने विधानसभा में टिकट दी है। सवाल जवाब आता है नीलबट्टा सन्नाटा। अब तीसरा सवाल उठता है कि अवेसी जी ने कितने, अपने बैरिस्टर होने के बावजूद कितने महिलाओं को प्रोवोक किया, उनको उत्साह दी कि आप भी बैरिस्टर बन जाइए, मैं खर्चा कर देता हूँ, मैं आपको पढ़ा दिया करूंगा। अब चौथा सवाल उठता है कि अवेसी जी के स्पीच में, पब्लिक गैदरिंग स्पीच में, जब औरंगजेब और थरंगजेब का नारा लगता है, उनकी स्पीच में जब पाकिस्तान जिंदाबाद कहा जाता है, जब उनकी स्पीच में मुगले आजम और थरके आजम लोग खड़े होकर के भारत की मिट्टी को मलाइन करते हैं, तब वो अपनी बैरिस्टरगिरी क्यों नहीं दिखा करके ऐसे आतंकवादियों को जमा करवाते हैं जेल की सलाखों के अंदर, खुद आई विटनेस क्यों नहीं बन जाते हैं? देखिए, लोगों का कहना होता है ना कि नाजिया तो बड़ा कड़वा बोलती है, ये कुछ नहीं है। अभी तो मैं बहुत एडुकेट तरीके से बात करती हूँ, ऐसे लोग अगर सामने आ जाए ना तो मैं लूंगी खुलवा करके अपनी जुबानों से बात करूंगी, और अभी तो मैंने सिर्फ चीथड़े खोलने स्टार्ट किए हैं, अभी तो मैं लूंगी तक खुलवाऊंगी इनका। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 90% मुसलमान पुरुष लूंगी लूंगी के अंदर चड्डी नहीं पहनते, इतनी तमीज भी इनको नहीं होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि गीता में मैंने एक चीज पढ़ी थी, गीता में मैंने पढ़ा है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी हो, सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल का परिणाम बहुत बुरा होता है। अब ये जो छल जो है ना, ये असदुद्दीन अवैसी जी ने फुदक करके कर तो दिया है, लेकिन अब सवाल के घेरे में वो फंस चुके हैं। तीन तलाक के वक्त में जब सायरा बानो और शाह बानो जब गुहार लगा रही थी, तो ये यही यही असदुद्दीन अवैसी जी है जो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है का नारा बुलंद कर रहे थे सांसद होकर के संसद के अंदर, हमें हमें कॉन्ट्रैक्ट का एक मेमोरेंडम बना रहे थे। असदुद्दीन अवैसी जी की जुबान में ताला लगा हुआ था जब हमारी मासूम महिलाएं, मासूम बहनें और माता जब 300-400 रुपए मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही थी, तो अपोजिशन का साथ देते हुए असदुद्दीन अवैसी जी उनके उसकी गुहार को, उसकी उसकी आंखों, खून से भरी आंखों आंखों के आंसुओं को भी उन्होंने कोई मान और मर्यादा नहीं दिया, और इस्लाम का नारा बुलंद करते हुए ये कहा कि नहीं, जो इस्लाम के हिसाब से हो गया है वो सो हो गया है, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। दुर्भाग्य की बात है 76 साल महिलाओं ने जिस जिस अधिकार, सम्मान, मान मर्यादा के लिए अपनी आवाज बुलंद की, 70 करोड़ से ऊपर इस भारत की भूमि पर रहने वाली महिलाएं 76 साल से कलप रही थी, हालांकि आजादी से लेकर के आज तक अपने अपना एफर्ट, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और राष्ट्र के लिए हित में अपनी लड़ाई कभी भी उन्होंने खत्म नहीं की। और आज पहली बार अगर कोई शेर खड़ा हुआ है पूरे करेज के साथ, उन पुरानी फाइलों के धूल को हटा करके हमें मान मर्यादा देने के लिए, 33% वुमेन रिजर्वेशन देने के लिए, तो बड़ी दर्द हो रही है उन लोगों को जो कभी और मुसलमान औरतों को खेत करके पुकारते हैं, कभी मुसलमान औरतों को फसल कहकर पुकारते हैं, कभी मुसलमान औरतों को की 12 साल में शादियां करवा देते हैं, कभी मुसलमान औरतों को
बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं, कभी मुसलमान औरतों को लड़ते हैं, यूसीसी की विरोधिता करते हैं कि नहीं चार शादियां होनी चाहिए और मुस्लिम पुरुषों को इस्लाम के हिसाब से चार बीवियां मिलनी चाहिए। कभी यही मुसलमान पुरुष असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग बोलते हैं कि पीरियड्स के बाद शादी हो जानी चाहिए, निकाह हो जाना चाहिए। तो आप कहें कि जो इस्लाम और मुसलमान पुरुष अपने घर के अंदर रह रही अपनी खुद की बहन और माताओं को इज्जत नहीं दे पाते हैं, आज वो नए संसद के बाहर खड़े होकर के बड़ा खुदकते हुए नजर आए। अब उन्होंने एक और सवाल उठा दिया बड़ा सीना ठोक करके, ये जो नफरत की चूरन है ना, ये अवैसी साहब और अवैसी साहब जैसे लोग बड़ा बांटते फिरते हैं और बड़ा इनसे यही चूरन से इनकी दुकान चलती है। बड़ा जोर उठाया कि मुस्लिम को तो इन्होंने कोई नाम ही नहीं लिया, ओबीसी को तो इन्होंने कोई नाम ही नहीं लिया, रिजर्वेशन में जगह ही नहीं थी, और भारत के पॉपुलेशन की बात इन्होंने कह डाली। मैं कहती हूँ कि अगर भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से बातें उठ जाए तो दो चार जो मुसलमान अंदर पार्लियामेंट के नजर आ रहे हैं ना, वो भी नजर नहीं आने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो नाजायज फायदा अवैसी और अवैसी के जो चुन्नू मुन्नू उठाते फिर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री को हर रोज मलाइन करते फिर रहे हैं, मैं उनको याद दिला दूं कि अपने घर के अंदर क्या अपने बाप को एक तमाचा मार सकते हैं या अपने बाप को डिफेम और मलाइन कर सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना भैया, यहाँ पर बैठे बैठे इस ब्रॉडकास्ट में क्या मैं बदतमीजी कर सकती हूँ अवैसी जी के साथ और मैं कह दूंगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो भारत के लिए भारत की भूमि के लिए इस राष्ट्र के लिए जी जान एक कर चुका है, जिसने 9 साल में 9 सेकंड की छुट्टी तक नहीं ली है, एक पैर उसका इंडोनेशिया की मीटिंग में रहता है तो दूसरा पैर दिल्ली में हो रहे G20 की समिट को सक्सेसफुल करने के लिए परिश्रम में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को हर रोज ये मुसलमान मलाइन करते हैं, डिफेम करते हैं, अक्यूज करते हैं और फिर यहाँ की ही योजनाओं से और यहाँ की ही सुरक्षा का मजा लेकर के आराम से घर में सीना चौड़ा करके सो जाते हैं। ये राष्ट्र कैसा ऐसी राष्ट्र बन गई है जहां पर आराम से सनातनियों को गाली दी जाती है और बड़ा सीना चौड़ा किया जाता है। मैं इन्हीं लोगों को, इन्हीं मुसलमानों को कहना चाहती हूँ कि जरा यही गाली पाकिस्तान के अंदर दे करके दिखाया जाए तो वहां के प्रधानमंत्री को, यही गाली जरा सऊदी अरबिया के शहजादे को देकर दिखाया तो जाए, यही गालियां जरा दुबई में जो 72 एकड़ की मंदिर बन रही है उसको जरा करके दिखाया तो जाए, इनकी औकात याद दिला देंगे। नाजिया के ऊपर फतवा जारी करना या नाजिया जैसी महिलाओं, पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर फतवा जारी करने वाले जब दुबई के सऊदी अरबिया के शहजादे G20 की समिट में आकर के जय सियाराम बोलते हैं तो ये फतवा कहाँ चला जाता है? ये फतवा हलक में अटक जाता है क्या? मैं इस बात को गायत्री जी इतनी खूबसूरत अंदाज में कहना चाहती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने इतिहास रच दिया है। 370 रिमूव कहिए, NRC और CAA कहिए, उसके बाद GST कहिए, ट्रांसजेंडर को उनका हक दिलाने की बात कहिए, ट्रिपल तलाक बैन करने की बात कहिए, पॉलीगेमी हलाला जैसी चीज कुप्रथाओं को बंद करने की बात कहिए, बहुविवाह को बंद करने की बात कहिए, पसमानदा मुसलमान तबके को आगे लेकर के आकर के कई योजनाओं से उनको फायदा दिलाने की बात कहिए, सब कुछ तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया। तो ये जो कूट रहे हैं सीना अपना, ये किस लिए कूट रहे हैं और ये मेंढक की तरह उछलना बंद करें? क्योंकि एक बार दोबारा अगर नाजिया इलाही खान अपने मोर्चे के साथ दोबारा मैदान में उतर गई तो सवाल करना स्टार्ट कर देगी कि ये हलाला की तारीफ करने वाले मुसलमान मर्द की शेरवानी और लुंगी दोनों खोलूंगी मैं, कि मुसलमान महिलाएं क्या इतनी मॉडर्नाइज हो चुकी हैं जो थ्रीसम और फोरसम को ज्यादा पसंद कर रही हैं हलाला के द्वारा? दैट वाज रैपिड फायर आपने को, पर ओवैसी एक बात बताइए नाजिया, अगर मैं सीरियस टर्म्स में लेती हूँ, लेट्स नॉट जस्ट टेक ओवैसी स्टेटमेंट, महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। आई एक्चुअली एग्री बिकॉज दैट इज द वे मुस्लिम समाज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आज ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला, कल जब रिजर्वेशन मिल जाएगा तब भी सबसे बड़ी मिर्ची नहीं लगेगी क्योंकि घर के बाहर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये उन्हें। देखिए मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं बड़े बड़े चैनल पर बैठ करके और पाकिस्तानी चैनल पर बैठ करके उनको खुश करने के लिए कि जो महिलाएं
12 साल की हो जाती हैं, उनको पीरियड्स हो जाता है, उसके बाद अगर उसका निकाह नहीं होता है तो वो बकरियों से सेक्स कराती है। मैं इस बात को बहुत इसका प्रूफ भी मेरे पास है। अब बकरियों से सेक्स करते हुए और कराते हुए तो मैंने किसी मुसलमान महिला को देखा नहीं, लेकिन इस चीज की पुष्टिकरण मौलाना साजिद रशीदी ने जरूर कर दी कि वो एनिमेटेड और एनिमल फॉर्म जरूर देखते हैं। अब आती हूं मैं मौलाना अरशद मदनी पर, जो देवबंद जमात के सरबराह बन करके बैठे हैं। उनका कहना है कि लड़कियां जो औरतें जो हैं वो 40 साल में पीरियड्स बंद होने के बाद बेकार हो जाती हैं, उनकी खेती से फसल नहीं होता है, और पुरुष जो इस्लाम मुसलमान पुरुष जो हैं वो 85 साल तक जवान रहते हैं, इसलिए उनको दूसरे खेत में अपनी फसल उगाने के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद और भी बहुत बड़े बड़े मौलाना और मौलवी हैं जो हमेशा हम टीवी चैनलों पर खिड़कियों में चीखते और चिल्लाते देखते हैं, जो हाथ उठा उठा करके अल्लाह से वर्जिन हूरे मांगते हैं, वर्जिनिटी के बारे में बात करते हैं। यही मौलवी मुल्ला और यही असदुद्दीन अवैसी ट्रिपल तलाक के वक्त में ना जाने कितना चीख और चिल्लाना किए थे, और ना जाने कितना रुदालियों की तरह आंसू बहाना और चूड़ी तोड़ने का काम किए थे कि ट्रिपल तलाक बैन नहीं होना चाहिए। अब जब कुरान से तलाक देने का सिलसिला जारी हुआ है तो ये मैं बताती चलूं उन तमाम लोगों को कि कुरान के हिसाब से तलाक कैसे होता है। कुरान के हिसाब से तलाक ऐसे होता है कि जब महिला को पीरियड्स होती है तो महिला के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत आते हैं, तो पहला तलाक तब दो जब उसको सेक्सुअल डिजायर्स पीरियड्स के वक्त आए तब दो, दूसरा तलाक भी उसके पीरियड्स के वक्त दो जब वो बहुत उत्तेजित हो जाए सेक्स करने के लिए तब दो, तीसरा तलाक भी औरत को अपनी तब दो जब तीसरे महीने में उसको बहुत ज्यादा पीरियड्स के वक्त अपने सेक्सुअल डिजायर्स उसके हाइट पर चढ़ जाए, उसके सर पर चढ़ जाए तब उसको दो। क्योंकि ये साइंस भी कहता है, ये गायनो डॉक्टर्स भी कहती है कि पीरियड्स के वक्त में महिलाओं को सेक्सुअल डिजायर्स बहुत आते हैं, इसलिए कुरान इस बात की अनुमति और इस्लाम इस बात की अनुमति मुसलमान पुरुषों को देता है कि आप तलाक अपनी औरत को, अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को तब दे जब उसके उसके सर पर सेक्स चढ़ा हुआ हो। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो औरतों को नंगा करने का इस्लाम ने बीड़ा उठा रखा है और जिसको पूरा कर रहे हैं मुसलमान मर्द, उसके खिलाफ और उसके उसकी विरोधिता में अगर नाजिया इलाही खान ने अपने कदम को बाहर किया है तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। मुझे नहीं एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। औरत जो है इस्लाम धर्म में खिलौना बनी हुई थी। मैं पहले आपको यह बता दूं कि पहले जो कुप्रथाओं का शिकार मुसलमान औरतें बन रही हैं, पहले उससे तो वो बाहर आ जाए, पहले मुसलमान औरतें शिक्षित तो हो जाए, पहले मुसलमान औरतें अपने उनके पैरों में जो बेड़ियां लगी हैं उससे तो निकल जाए। मोदी जी ने जब इतनी सारी योजनाओं के द्वारा मुसलमान बहनों और मुसलमान महिलाओं को इतना सशक्त किया है तो मुझे जरूर पता है और मुझे जरूर भरोसा है कि हमारे हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने हम अपनी मुसलमान बहनों और बेटियों के लिए भी कुछ अच्छा ही सोच करके रखा होगा, कुछ बुरा तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा। अवैसी जी जो अभी इतनी ज्यादा आवाज ऊंची कर रहे हैं और अपने आप को सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन मीडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले ऐलानिया ये कहिए कि भारत की बेटियों को कम से कम बैरिस्टर तो बनना चाहिए। जिस दिन अवैसी जी ये बात कह देंगे और अपनी पार्टी में 33% महिलाओं को टिकट देना स्टार्ट कर देंगे उस दिन मैं अवैसी जी को कोसना बंद कर दूंगी। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मनाजिया, इस मामले में ओवैसी ने ये क्वेश्चन उठाया, हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर जो मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टीज है उनका रिस्पॉन्स कैसे है? वो लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, नेगेटिवली ले रहे हैं? और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फॉलोआउट, जो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, मुस्लिम वुमेन कमिंग इनटू द पॉलिटिक्स इज अ गेम चेंजर, नॉट ओनली उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, बट इस्लाम के लिए एज वेल, बिकॉज इस्लाम का जो सबसे बड़ा फाउंडेशन है वो है महिलाओं को दबा कर रखना। जी देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से महिलाएं अगर पढ़ लेती हैं तो आवारा हो जाती हैं, महिलाएं अगर बात कर लेती हैं तो बच्चलन हो जाती हैं, महिलाएं अगर वोकल हो जाती हैं तो वो प्रोस्टिट्यूट हो जाती हैं, महिलाएं अगर परफ्यूम लगा लेती हैं इस्लाम के हिसाब से तो उनको जन्नत में प्रोस्टिट्यूट की नजर से देखा जाता है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में कहा है 30 पारे में कि जो औरत घर
जो औरत स्टेट, जो औरत राष्ट्र, जो औरत कबीला चलाती है, वो कबीला कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस्लाम ने पहले ही औरत को बहुत ही नीच गिरा हुआ दर्जा दिया हुआ है। अब ऐसे मौके पर अगर इस रिजर्वेशन में महिलाओं की का जिक्र नहीं हुआ है और उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो अंदर अंदर असदुद्दीन अवैसी जी भी बहुत खुश हो रहे होंगे और जितने मौलवी मुल्ला है वो भी बहुत खुश हो रहे होंगे। अब बात आती है कि ये खुशी कितने दिन रह सकती है, इसका भी अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। ये खुशी बहुत ज्यादा दिन नहीं रह सकती है। नाज़िया इलाही खान पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, नाज़िया इलाही खान सोशली बहुत एक्टिव है, नाज़िया इलाही खान अपने लीगल फील्ड में बहुत एक्टिव है। तो मैं एक बार फिर से गायत्री जी आपको कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन कास्ट और क्रीड में ना ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है और ना ही वो आगे करेंगे। ये अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए आज ये बात का मुद्दा उठा रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। 76 साल में के दौरे में, 75 साल आजादी का देखने के बाद, 76वें साल में 33% जो 27 साल से जो खाता धूल और धक्कड़ों में धसा पड़ा था, आज उसको उठा करके ये शेर दिल ने इसका परचम लहराया है और गणेश चतुर्थी जैसे मुबारक मौके पर, इतने खूबसूरत मौके पर उन्होंने इस बिल को पास करवाया है। तो मुझे लगता है कि इनको अंदर अंदर डर जरूर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान महिलाएं किसी और दिशा में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि मैं तो एक्टिव हूँ पॉलिटिकली जी। और एक्चुअली में देखा भी जाए तो जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेशन, मेन डोमिनेशन इन इस्लामिक वर्ल्ड, महिलाएं बहुत कम आई हैं, बहुत कम महिलाएं हैं। आई मीन समटाइम्स मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद जैसे हमारे यहाँ, जैसे हिंदुओं में होता है, महिलाओं को एक इक्वल स्टेटस दिया जाता है, पूजा भी की जाती है, माँ पार्वती है, दुर्गा माँ है, माँ सरस्वती है, अलग अलग फॉर्म में उनकी पूजा की जाती है। शायद अगर महिलाओं को पावर दी होती तो जो हालात आज इस्लाम के वो ना होते, वो कहीं बेटर होता। आई थिंक दिस इज गायत्री जी, जब नया घर या नई प्रॉपर्टी ले जाती है ना, तो घर की महिलाओं को लक्ष्मी मान करके उन अलता लगा करके उनके हाथ का छाप दीवारों पर लिया जाता है और उनके पैरों का छाप जमीनों पर लिया जाता है। एक छोटी सी गाड़ी भी जब सनातन धर्म वाले खरीदते हैं ना, तो लक्ष्मी से उसका उद्घाटन करवाते हैं, घर की महिला से उसका उद्घाटन करवाते हैं। तो गणेश चतुर्थी जैसे मौके पर ये जो 33% रिजर्वेशन जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक तोहफा दिया है भारत की महिलाओं को, ये बहुत बड़ा तोहफा है और इसको पॉजिटिव, ये एक ऐसा थाली परोसा है अपोजिशन के सामने भारत के प्रधानमंत्री जी ने कि जिसका खाना ना उगलते बन रहा है अपोजिशन को, ना निगलते बन रहा है। अगर कहते हैं कि नहीं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए तो भारत की जितनी भी महिलाएं हैं वो तो इनके मुंह पर थूकना स्टार्ट कर देंगी और इनका इनकी शेरवानी का धागा खोलना स्टार्ट कर देंगी, बटन तोड़ना स्टार्ट कर देंगी। अब अगर ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, तो फिर भाई भैया अपोजिशन कहेगा, फिर तो ये अपोजिशन, फिर तो इस भारत को अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राम मंदिर के वक्त में मुसलमानों ने कहा था कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, गरीबों को रोटियां मिल जाएंगी, तो मैंने उनको कहा था कि मंदिर के बाहर बैठ जाना, रोटी सब्जी दाल पानी सब मिल जाएगा, कटोरा लेके बैठो तो देखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जवाब जो है ना वो बिल्कुल पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और ये जितने भी छाती पीटने वाले और कूटने वाले और जहर का चूरन बेचने वाले हैं, इनकी जुबान को बंद करना बहुत जरूरी है और कोई एडुकेटेड व्यक्ति ही इनकी जुबान को बंद कर सकता है, जिसने कुरान बामायने और सही तरीके से पढ़ा होगा तभी बंद कर पाएगा। तो ये जितना कूट रहे कूटने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मुस्लिम महिलाएं अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, प्रोफेशनली मुस्लिम महिलाएं अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं और आने वाले 4-5 साल में आप देखिएगा कि मुसलमान महिलाएं, एक नाज़िया नहीं, आप इंटरव्यू लेते लेते थक जाइएगा, हजारों मेरे जैसी नाज़िया खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये जो मुसलमान महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, जैसे हज यात्रा, 3 तलाक, इसके बाद शादी शगुन योजना, उसके बाद ईदी योजना, ऐसी ऐसी सीखो और कमाओ योजना, कारीगर योजना, ऐसी योजनाओं का जो उन्होंने उद्घाटन किया है, इससे भारत में मुसलमानों ने बहुत लाभ उठाया है, बहुत लाभ उठाया है। मैं आपको एक और, मतलब इस सार्कैज़म वे में ही मैं बोलना चाहूंगी कि बात वही होती चली जा रही है, इस्तेमाल तो कर रहे हैं अंबानी जी का फोन और रोज गालियां भी दे रहे हैं अंबानी जी को, तो इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं मोदी जी की योजना, रोज उनका खा रहे हैं, उनके देश में सुरक्षित रह रहे हैं और रोज सीना ठोक करके मोदी जी को गाली दिया करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा उठाते हैं।
तो ये चीजें भी हमें धीरे धीरे बंद आएंगी और बंद होती भी दिखाई देंगी। मुसलमान महिलाएं बहुत खुश हैं, पहली बार उनको मान सम्मान मर्तबा और उनको वोकल होने का मौका मिला है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को उजागर करने का मौका मिला है। मुसलमान जितनी भी महिलाएं हैं उसमें 90% महिलाएं, देखिए जो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से किसी पार्टी के अम्ब्रेला के अंदर दबी कुचली है वो जरूर निकल करके कहेंगी कि नहीं तलाक होना चाहिए, नहीं हम मेरा हलाला होना चाहिए, क्योंकि उनको फोर्सम करना है, हमें नहीं करना है, इसलिए हम बंद करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से शिक्षा में आगे बढ़ रही है मुसलमान महिलाएं, आगे उनका उनकी जो तकदीर है, उनका जो फ्यूचर है, वो बहुत रोशन है। जी थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले आई थिंक ये तो मैं भी चाहूंगी कि मुस्लिम महिलाएं सामने आए, बिकॉज जब तक वो सामने नहीं आएगी, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी कई बार बातें करते हैं बहुत सारे हम लोग जब हम बात करते हैं इस्लाम की, किस लब में इतना कट्टरवाद है या बाकी चीजें, तो एक ही चीज संभल के आती है, सामने आती है, द चेंज हैज टू बिगिन फ्रॉम विद इन। हम बाहर कम्युनिटीज के या बाहर रिलीजन्स के लोग, हम हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियंस पारसीज, हम कितना भी बोलें, दैट विल नॉट हैपन। वो होता है ना अंधे को अंधा बुलाना, सॉरी आई डोंट मीन इट दैट वे, बट हाँ हम उनको बोलेंगे तो उनको लगेगा कि हम टारगेट कर रहे हैं, हम रैडिकलाइज कर रहे हैं। मैं इस बात को भी आपके भगवद गीता से ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। तो असदुद्दीन अवैसी जैसे वो लोग है जिन्होंने इस्लाम में होते हुए कुरान को पढ़ करके हमारे साथ हमारे हमारे गार्जियन बनने का दावा कर कर हमारे साथ ही छल किया है, हमें ही बर्बाद किया है, हमें ही कुप्रथाओं में दबाया है, कुचला है, और हमें ही बिस्तर का सामान बनाया है, हमें ही बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई है। आज तक कभी भी मुसलमान महिलाओं के पक्ष में, मुसलमान महिलाओं के अधिकार के लिए कोई भी मुसलमान पुरुष सामने नहीं आया है। तो आज ये जो मेंढक की तरफ दबने की कोई जरूरत नहीं है, छाती कूटने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत खुश हैं मोदी जी के नेतृत्व में। थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि आपकी तरह और भी मुस्लिम महिलाएं आगे आएं, प्रोग्रेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड टू लुक मतलब टू लिव टुगेदर। थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टीम मीडिया। अगर आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू नाजिया, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।